Babu. अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, जगा हुआ है। अभी इसके पापा का भी तबीयत नहीं ठीक है, कल से क्या परसों से काफ़ी परेशान है। दांत में अचानक से दर्द होने लगा है, दर्द होने के बाद पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं अंदर दांत में पल्स बन रहा है, जिसकी वजह से अभी तो गए हैं। मतलब आज सुबह, कल परेशान थे तो कल गए, तो कल सुबह 7 बजे गए थे तो मेडिकल से ले आए पेन किलर, तो उससे रिलीफ तो नहीं हुआ। मेडिकल वाला बोला कि भैया अभी ऐसे ऐसे नहीं दे सकते, तो दिखाए तो दो जगह दिखाए, लेकिन डॉक्टर अभी इनको दवा दिए थे पेन किलर का, एक जगह दिखाए थे, फिर शाम को गए वहाँ जाके, इनको आराम नहीं हुआ 4 बजे, तो फिर शाम को जाना था। शाम को गए तो वो डॉक्टर नहीं बैठे थे, और वो डॉक्टर बोले थे कि वो पल्स उनको निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको लगा कि हम कई बार पहले आप दूसरे डॉक्टर को पता कर लीजिए, कि हो सकता है डॉक्टर कभी कभी बहुत फालतू चीज़ बता देते हैं, कभी तो सही बताते हैं, लेकिन कभी कभी डॉक्टर पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों में लेके हमको विश्वास नहीं होता है। और दांत ऐसा चीज़ है ना कि तो कुछ ऐसा साइड इफेक्ट होगा ना, उनको क्या है, तो या तो तोड़ो या तो दूसरा कैप करो, उससे उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, उनको तो बस प्रॉफिट होना चाहिए। वो सही है या गलत है वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो हम लोग को जानना चाहिए। इसलिए दो डॉक्टर से कंसल्ट किया, दूसरे डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, जबकि उन्होंने कहा नहीं इसको आप निकलवा लीजिए, इसको आप पल्स निकलवाइए नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरे डॉक्टर कहे नहीं पल्स बन रहा है लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन पहले आप 3 दिन का दवा खाइए, लेकिन उससे जब नहीं आराम होगा तब हम एक्सरे करवाएंगे। लेकिन एक्सरे आज करने को बुलाए हैं, अभी गए हैं, ये 2 बजे अभी तक आए नहीं है, सुबह 10 ही बजे का ये निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं, ना फ़ोन उठ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि या तो कुछ ट्रीटमेंट ही करवा रहे होंगे या तो कुछ कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी तक तो। अचानक से ऐसे दांत में दर्द, मतलब इसके पहले कभी नहीं था, अचानक से ऐसा दर्द हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर ऐसे हुआ तो हुआ क्यों है। रात भर फीवर, इतना दर्द, पूरा रात भर बेचारे बैठे हुए थे, बैठ के पूरा रात निकाले समझिए, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान थे। नानी कब तक आएंगे, फ़ोन उनको 3-4 बार कर दिए, एक बार फ़ोन नहीं उठाया, जब फ़ोन नहीं उठता थोड़ी दिक्कत होता है, टेंशन होता है कहाँ रहेगा। फिर भी सोच रहे हैं हो सकता है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इसलिए कहीं लेट हो रहा हो, मोबाइल साइलेंट वाइलेंट पे हो, तब आने पे इनके पता चलेगा कि उन्होंने फ़ोन उठा पाए, वरना भी हमारा बात हुआ था लगभग 12 बजे का, भी एक्सरे करवाए हैं, फिर उसके बाद 1 बजे किए तब नहीं उठाए, फिर किए 1 बजे से 2 बज रहा है, 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटे में 4 बार कर ले, लेकिन अभी तक तो फ़ोन उठा नहीं है। वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे लगता है ट्रीटमेंट ही हो रहा होगा तभी इतना लेट हो रहा है, वरना कभी ऐसा नहीं होता कि कॉल नहीं उठाते, कॉल उठा लेते हैं, कहीं भी रहते तो कॉल उठता जरूर है। पापा कहाँ है, पापा के दांतों में दर्द आ रहा है, तुम्हारी दांतों नहीं आ रही है। ये अपने गाड़ी में एकदम मस्त है, जिसकी वजह से मुझे इस रूम में मतलब एक तक यहाँ, क्योंकि इसमें सामान रखने वाला है ये पूरा, इसको एकदम जितना सारा सामान रहता है, ये डर लगता है ना, अभी खड़ा होना होता है लेकिन संभाल नहीं पाता है, डर लगता है कि गिर जाएगा। और इसको क्या है, ये गिरेंगे पड़ेंगे चोट लगे, आप देखिए अब ये वाला है, इससे खेलता बहुत तेज है, ये सिर्फ इसी के लिए खेलता है, लेकिन उससे लगता बहुत तेज है, क्योंकि जो हार्ड लकड़ी है ना वो मेड इन इंडिया है, और इंडिया से मतलब नहीं है, मतलब कि ये आपका जो लकड़ी है बहुत हार्ड, उसको टनटनाने से बहुत ज़्यादा वो होता है, और ये हाथ का बना हुआ है, और ये चीज़ हम ध्यान नहीं दिए थे। ये हम लोग गए थे विश्वनाथ मंदिर, तो वहाँ पे दशाश्वमेध क्या, वो विश्वनाथ मंदिर की गली से लिए थे। अब नींद नहीं आ रही है आपको, चलो नींद करा दूँ, पापा का वेट करते हैं हम, तो आपको नींद करा दें, चलते हैं बाद में बात करते हैं, बाय। कब तक आते हैं हम, जब आते हैं तब आप लोग को हम बताएंगे क्या
क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेट करिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अब बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ज़रूर से, ताकि आपसे मेरी वीडियो जितनी भी आए आप लोग देख सकें। बाबू बाय कर दो, ये अपने इसी में मस्त है। टन 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 इसी में मस्त है, उसको ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डर लगता है बस ये मुंह में डालने के लिए। हाँ चल बाय कर दो, बाय। चोट लग जाएगा अगर अभी भी थोड़ा सा मुंह इस पे गिरोगे, तुरंत चोट लग जाएगा।